नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवेश। ट्रैवल मंत्रा में हम आपको अपने देश भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देते हैं। हमारा देश भारत एक विशाल देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा, हैंगिंग गार्डन, पवई झील, गुराई बीच, एसएल वर्ल्ड, अक्सा बीच और वर्सोवा बीच की जानकारी दी। आज की इस वीडियो में हम आपको मुंबई के कुछ प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देंगे जो इस प्रकार है। मुंबा देवी। मुंबा देवी मुंबई का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। मुंबई का नाम मुंबा देवी के नाम से ही रखा गया है। मुंबा देवी मंदिर दक्षिणी मुंबई के भुलेश्वर इलाके में स्थित है। मुंबा देवी मंदिर में दिन में रोजाना 6 बार आरती होती है। वैसे तो मुंबा देवी मंदिर में रोजाना भारी भीड़ लगती है, लेकिन मंगलवार के दिन लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे दिल से मांगी गई कोई भी मुराद पूरी हो जाती है, और मंगलवार को अगर मुंबा देवी के दर्शन कर लिए जाएं तो उनके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसलिए अगर आप मुंबई आते हैं तो मुंबा देवी के दर्शन करने जरूर जाएं। हाजी अली। मुंबई में हाजी अली दरगाह समुद्र में तैरती एक विशाल इमारत है जिसका निर्माण 19वीं सदी में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब पीर हाजी अली मक्का की यात्रा पर जा रहे थे तो यात्रा के दौरान उनका देहांत हो गया और उनका ताबूत समुद्र में तैरता हुआ मुंबई तट पर आ पहुंचा और चमत्कार पूर्ण रूप से इस दरगाह का निर्माण हुआ। यह दरगाह 400 साल पुरानी है। हाजी अली दरगाह समुद्र में होने के कारण यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे खास बात यह है कि समुद्र में होने के बावजूद भी यह दरगाह पानी में कभी नहीं डूबता। हाजी अली के दर्शन के लिए भारी संख्या में पूरे देश से लोग आते हैं, जिसमें हर जाति धर्म और संप्रदाय के लोग हैं। मुंबई के लोगों का हाजी अली से खास जुड़ाव है, इसलिए अगर आप मुंबई आते हैं तो हाजी अली के दर्शन को जरूर जाएं। महालक्ष्मी मंदिर। महालक्ष्मी मंदिर देवी लक्ष्मी माता जी का मंदिर है जो मुंबई के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह लोगों की आस्था का केंद्र है। महालक्ष्मी मंदिर हाजी अली दरगाह से लगभग थोड़ी ही दूरी पर स्थित है।
यह मंदिर मुंबई के दर्शनीय स्थलों में से एक है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर बहुत ही विशाल मंदिर है। इस मंदिर से प्रचलित कई पौराणिक कथाएं भी हैं। सिद्धि विनायक मंदिर। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 1801 में किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत है। मंदिर के अंदर की नक्काशी बहुत ही बारीकी से की गई है। यह धार्मिक आस्था का बहुत ही पवित्र स्थान है। मुंबई में गणपति उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की मूर्ति को काले रंग के पत्थर से तराशा गया है। सिद्धि विनायक मंदिर में दूर दूर से रात भर लोग पैदल चलकर दर्शन करने को आते हैं और सुबह की आरती में शामिल होते हैं। तो अगर आप मुंबई आए हैं तो सिद्धि विनायक मंदिर का दर्शन जरूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के मुंबई के अन्य धार्मिक पर्यटन स्थलों की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्रैवल मंत्रा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।